पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस को अपराधियों को संरक्षण देने वाला बताया, तो वहीं शिवपाल यादव द्वारा लिखे गए पत्र को उनके दिल की पीड़ा बताया है। इस दौरान अन्य सवालों के जवाब में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कुछ इस तरह अपनी बात रखी। उनसे शिवपाल यादव के पद पर जब सवाल पूछा गया तो कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है और अखिलेश जी की जो गतिविधि रही, उन गतिविधियों में उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार अपने पिताजी के साथ किया, उसकी पीड़ा शिवपाल यादव को है। समाजवादी पार्टी का इतिहास अगर आप लोग देखेंगे और अखिलेश जी ने जो गतिविधि उनकी रही है, तो उन गतिविधियों में जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने अपने पिताजी के साथ, माननीय मुलायम सिंह जी के साथ किया, तो उसका पीड़ा शिवपाल जी को है और वो अनेकों अवसरों पर उस पीड़ा कहीं ना कहीं दर्शाते रहते हैं। तो ये उनके परिवार का विषय है और परिवार को संभालना उनकी जिम्मेवारी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे संभालने में नाकाम रहे हैं और यही पीड़ा शिवपाल जी ने बार बार उनके पत्रों के माध्यम से बार बार स्पष्ट होती है। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि पीएम मोदी की जगह अब केजरीवाल को जनता देखने लगी है। इस पर उन्होंने कहा कि ख्याले पुलाव पकाने में कोई बुराई नहीं है, अब आम आदमी पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, अगर उन्होंने गलत काम किया नहीं है तो जांच से कोई घबराना नहीं चाहिए और जांच एक प्रक्रिया है, उसका हमें भी सहयोग करना चाहिए। ख्याली पुलाव पकाने में कोई बुराई तो है नहीं, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं है तो जांच से कोई घबराना नहीं चाहिए और जांच एक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का हमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तुनका, तो घबराएगा वो जिसने गलत काम किया होगा। और सरकार, हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें हों, हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता संकल्पित हैं इस के देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और उस संकल्प को लेकर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार कार्रवाई कर रही है उसको लेकर के विपक्ष जो है वो तिलमिला गया? हाँ, निश्चित रूप से कार्रवाई जो हो रही है, मैंने जैसे कहा ना, अगर गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अनैतिक काम करेंगे तो सरकार काम, भ्रष्टाचार उन्मूलन हमारी सरकार की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की संकल्प है उनका और उसे लेकर आगे हम सब लोग बढ़ रहे हैं। सर, अब मायावती ने अंसारी पे जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं, ईडी और सीबीआई दोनों कार्रवाई कर रहे हैं। वही पंजाब में भी जो है पंजाब सरकार ने रोपड़ कांड, रोपड़ में जो उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी उसका भी उजागर करना शुरू कर दिया है। किस तरह? देखो, मुख्तार अंसारी जिन जिन दलों में रहे हैं उन्होंने अनैतिक कार्य किए हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास अपराधियों के साथ रहा है, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता अपराध में अलग अलग धाराओं में जेलों में निरुद्ध हैं। अब उन्हें संरक्षण देना, उनके अपने निजी लोग हैं तो वो जेल में मिलने जाएंगे ही। तो आप लोग देखते हो, रमाकांत यादव हों, उमाकांत यादव हों, या मुख्तार अंसारी हों, या अतीक अहमद हों, या जितने भी माफिया लोग थे जिन्होंने अनैतिक संपत्ति करके, लोगों का शोषण करके, गरीबों का हक छीन कर भ्रष्टाचार की एक इमारत बनाई थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, सब उनके साथ खड़े हैं और इसलिए इन सब कार्रवाई से ये लोग तिलमिला जाते हैं। आपने देखा, चाहे मुख्तार अंसारी जी का मामला हो, किस प्रकार से लोग उनके पक्ष में खड़े हुए, सरकार, कांग्रेस की सरकार, उन्हें संरक्षित, उनके लिए सुरक्षा देने के लिए रोपड़ जेल में उन्हें स्थानांतरित कर दिया, किस प्रकार से उन्होंने वहाँ मौज मस्ती से ज़िंदगी काटी, अखिलेश यादव जी भी, तो ये सारे लोग प्रदेश में माफियाओं के साथ राजनीति करते रहे हैं। प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित हैं कि प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से माफिया का नामो निशान मिटाना है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतर जीवन सुलभ हो सके, इसका प्रयास सरकार की प्राथमिकताओं में है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।